पखे नाल लटकदी मिली शिवसेना दी एमपी उम्मीदवार दी नूं 6 महीने पहला व्याह के आई सी घर। लगातार दहेज अते पैसे मंगण दे लग रहे सौरे परिवार ते इल्जाम। कुड़ी दे मापिया ने अपने कुड़मा ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। श्री आनंदपुर साहब तो एमपी उम्मीदवार हन किरण जैन मोहाली दे खरड़ इलाके च रहिंदी सी नव्योता जिथे पखे दे नाल लटकदी मिली आ उसकी लाश। लाश मिलन तो बाद एमपी उम्मीदवार का परिवार हाले भी फरार। तो बेहद वड्डी खबर मोहाली जिले तो सामने आ रही है जिथे मोहाली जिले के खरड़ इलाके दे विच इक नव्योता की पखे दे नाल लटकदी लाश मिली है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चलिया कि श्री आनंदपुर साहब तो शिवसेना आगू के उम्मीदवार एमपी उम्मीदवार किरण जैन की ए नूह है जिसका विआह 6 महीने पहले ही होया सी। यानी कि एमपी उम्मीदवार किरण खेर ने अपना मुंडा 6 महीने पहला विआया सी, जिस तो बाद इस कुड़ी के मापिया ने इल्जाम लगाए ने कि एमपी उम्मीदवार किरण जैन लगातार नूह दे कोलों दहेज की मंग करते पैसों की मंग करते, जिस तो बाद उसने अजिहा कदम चुकया। आओ परिवार तो ही जानते हैं केड़े इल्जाम अपने कुड़मा ते ला रहे ने। नाम आपका? किरण देव सर। क्या हुआ? मेरे बेटी को 22 तारीख को शादी की है थे, मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं था। मैंने बोला अभी नहीं कर पाएंगे शादी, फिर बोली कोई बात नहीं मेरे पास पैसा है, अगर आपका जरूरत होगा तो मैं 50,000 से 60,000 दे दूंगी, आप कर लेना, बाकी ये चीज़ें जो है आपके कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बाद में शादी करने के बाद मैं टचर करने लगी कि ये मेरे 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ है, 5 लाख रुपया मुझे दो चाहे दो, तो मैं तो झाड़ू पोछा करने वाली सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या नाम क्या था आपकी बेटी का? मिष्टी नाम था सर। यहाँ पे कहाँ पे शादी हुई उसकी? भगुमजरा हुआ है सर। किसके लड़के का नाम क्या है? लड़का का नाम कसब। क्या रात को डेथ हुई उसकी? हाँ जी, 6:30-7 बजे करीब में फोन आया था प्रधान जी के पास कीजिए आप वो लड़की फांसी लगा ली, बाकी फांसी लगाई नहीं है सर। मतलब आपकी बच्ची ने फांसी लगा ली? हाँ जी, तो फांसी लगाई नहीं है, वो लगा के मारे हुए हैं। कौन उसकी सास का नाम? सास का नाम है किरण। और ससुर का? ससुर का दीपक है, और लड़का का कसब नाम है, उसका जो बड़ा भाई कसब का उसका नाम है क्या नाम है उसका कमल है। आप शादी कब किए थे? 22 तारीख को सर। ये 22 को? हाँ जी। नहीं, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल का। 22 अप्रैल को? एक महीना हो गया सर। एक महीने पहले ही शादी किया। और अभी क्या बोलती थी वो लड़की ने? कभी फोन किया आपको? नहीं, लड़की को फोन नहीं देने दी, मैं बोला मैं अपना फोन दे देती तो नहीं नहीं फोन देने की जरूरत नहीं, मैं खुद दे देंगे, बाकी लड़की को फोन नहीं देने देती थी और अपने फोन से 2 मिनट बात कराती थी बस। हो गया सर, आमने सामने बात कर तो डर से मेरी लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती थी सर, कुछ भी नहीं बोल। उसने कभी बताया अभी लड़की के साथ कुछ हुआ या ऐसे कुछ बताया उसने? लड़की को धमका के रखी थी, लड़की ने बताया नहीं सर, लड़की को बोले देखे तेरे माँ बाप को उठवा लेंगे, तेरे को बस मार देंगे। क्या नाम क्या है उसका? नहीं नहीं, जहाँ पे शादी हुआ उसके ससुर, सास ससुर का नाम क्या? ससुर का नाम है वो दीपक, सास का नाम है किरण। क्या करती क्या वो? शिवसेना में खड़ी है वो। शिवसेना में खड़ी? अभी बात हुई आज कोई या कल हुई? नहीं, कल सर बुलाई थी मेरे को 11 बजे फोन करी थी कि जी आप आ जाओ घर पे मिल लो। आज कहाँ पे? अभी अभी पता नहीं सर, पता नहीं भाग गए ताला लगा के। आपकी लड़की की फिर वो डेड बॉडी कहाँ पे है? हॉस्पिटल में है सर। आप देख के आए? नहीं, वो लोग देख के आए सर। आपका क्या लगता है? मैं भाई हूँ सर उसका। क्या हुआ क्या था आप बात बताओ सर। एक्चुअली पता है क्या, उसकी हमने रिश्ता देखा, शुरू से बताता हूँ सर, रिश्ता देखा हमने, उसके बाद में सगाई उगाई सब कुछ हो गया, उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया, हमारे पास कोई सक्षम नहीं थे हम लोग। हम अभी नवीन गांव से अपने बिहार में घर बना के आए थे, हमारा हाथ पैर खाली था, वहाँ तक कि शादी का भी खर्चा उन्होंने जल्दी जल्दी में सब शादी हुई सब करा ली, 15 दिन तक सब कुछ ठीक था सर। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मम्मी एक बार गई मेरी वहाँ पे, उसके बाद में मम्मी से कहती थी वो अकेले में कि मम्मी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके आगे डीएम एसपी सब झुकते हैं, ये वो टंगवा देगी ये करवा देगी। कल की बात बता रहा हूँ सर, मैं उसे मरने से 2 घंटे पहले की बात, हम मिलने गए थे सर वहाँ पे, सर सब कुछ सॉल्व हो गया था हमारे सामने एकदम, ऐसे ऐसे रख के ऐसे प्यार जता रही थी, पक्कियाँ ले रही थी, तो हमारा हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ कि वो ऐसी होगी वो। कौन? ठीक है सर, मेरी बहन की सास किरण जैन। तो सर उसके बाद में सब कुछ ठीक है, खा पी के हम लोग वहाँ से चल दिए, हमने बोला ठीक है जी रखो जी सब कुछ बढ़िया, बहन खुशी से रहना, सब कुछ भूल के चले आए। उसके बाद में सर पता नहीं क्या हुआ, मारा उसको सर पूरा थप्पड़ मार मार के, मुंह लाल किया हुआ है सर,
फांसी लगाते तो सर यहाँ तक होता, पूरा यहाँ तक खींचा हुआ है सर, पूरी गर्दन की हड्डी तक टूटी हुई है उसकी। कल उसको मैं अकेले कमरे में ले जाके पूछ, जब पूछना चाहता था कुछ भी बात पूछना चाहता था कि बहन कोई दिक्कत है कोई प्रकार की तो मेरे से कह मैं बोलूँगा, तो कह रही है कि भाई है बात, मेरी बहन बोली मेरे से कि मैं अगर तुम्हें बता दूंगी तो तू मेरे को पता है तू मम्मी जी से पूछ देगा, तू जाएगा तो वो लोग मुझे मारेंगे, ये भी बात हुई है सर। अभी क्या मांग करते हो? अभी मांग सर मौत के बदले मौत है सर, उम्र कैद चाहिए, फांसी चाहिए हमें बस, मेरी फूल जैसी बहन मरी है सर, मेरी हमारे घर में बस माँ बाप के बाद मेरा एक वही सहारा था, हमने कितने लाड से कितने प्यार से पाला था वो हम जानते हैं, रेडी चलाता हूँ सर। आपके जीजा का नाम क्या है? केशव नाम है जी उनका। केशव जी, वो अभी मिला नहीं सर? वो तो कल भी नहीं मिला मेरे को। अभी क्या बोल रहे? बस सर हॉस्पिटल में वो करके बोल रहे हैं कि जब मैंने बोला कि तुमको एक को भी नहीं छोड़ूंगा तो कह रहे जा तेरे को देख लेंगे, इतना बोल के कल रात से ही हॉस्पिटल से भागे हैं सर। घर पे भी पुलिस गई थी इंक्वायरी में, वहाँ ताला लगा के भागे हुए हैं सर। उसको मारा गया है क्योंकि उनके घर के जो परिस्थिति मैंने देखा दो चार पाँच दिन पहले से, तो ये नहीं लगता था कि मतलब ये लड़की मेरे सुखी रह पाएगी, इसलिए इन लड़की की माँ को मैं अपने वाइफ को उसके यहाँ भेजा कि लाने के लिए। लड़की ने मतलब ये बोली कि मम्मी एक मेरे से ना पैसा मांग रहे कि जो शादी में खर्चा हुआ है मेरा पैसा 5 लाख रुपया दो प्लस एक चैन दो, दीपक जैन को एक चैन दो। मेरी वाइफ ने बोली ये गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे। चलो उसके बाद लड़की ने बोली कि मम्मी कुछ बात ऐसे है ना कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, अगर शेयर करूँगा तो ये लोग मेरे को जान से मार डालेंगे। माँ ने इसको बहुत कोशिश की बोलो, उसके बाद उसकी किरण जैन ने गई और जा करके इन लोगों को घर से बाहर निकाल दी। घर से निकाल के बाहर निकालने के बाद इन लोगों को खाना वगैरह खिलाई, उसके बाद मतलब बोलती है कि मेरे को मीटिंग में जाना है, वो शिवसेना हिंदुस्तान का प्रत्याशी है, वो लोकसभा मतलब इलेक्शन लड़ रही है, तो उसने बोला कि मेरे को मीटिंग में जाना है, लेकिन जो शिवसेना हिंदुस्तान और वर्कर है मेरे से बोलेगा कि कोई मीटिंग नहीं था, ये झूठ बोल रही है करके, ठीक है ना। फिर एक घंटा के बाद जब वहाँ से लड़की की माँ आई, एक घंटे के बाद मेरे को फोन की कि क्या मिस्ट्री ने फांस लगा लिया है, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। मैंने हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे किरण जैन पहले से खड़ी थी, उसके बाद आधा घंटा के बाद वहाँ पे लड़की को लेकर के लोग आए। तो जब आपने लड़की को देखा कैसी स्थिति थी उसकी? गले पे गला दबा के मारा गया है। गला मतलब वो लड़की ने ऐसे गर्दन झुका हुआ था, एक साइड को गर्दन झुका हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल लाल का निशान पड़ा हुआ था, उसका जो होठ का जो मतलब लिपस्टिक लगाई थी बिल्कुल मिटा हुआ था, होठ का लिपस्टिक मिटा हुआ था, यहाँ पे गाल में लाल लाल मतलब की दिखाई दे रहा था करके लड़की। अब क्या मांग करते हो पुलिस प्रशासन से? हमें एक इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार के लोग हैं, ये लोग के पास मतलब जो हम लोग थाने में भी आए हैं तो ऑटो का किराया भी नहीं था, ऑटो समाज ने मोहल्ले वालों ने ऑटो किराया दे करके इनको यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए इस गरीब इंसान को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। जिहड़े साडे तुसी कैंडीडेट की गल करते हो श्री आनंदपुर साहब हल्के तो श्रीमती किरण जैन जी सीगे, बट उन्होंने पार्टी वालों गैर जड़ी असमाजिक गतिविधियों के चलते उन्होंने पार्टी चो अज 25 मई 2024 निष्कासित कर दिया गया श्री पवन कुमार गुप्ता जी के दिशा निर्देशों से। गतिविधियां ये सीगियां जी कि सानू जो इनफॉरमेशन मिली है कि वह दूसरी पार्टियां दे नाल मिलके जो साडे श्री आनंदपुर साहब हल्के दे विच लाख तो डेढ़ लाख साडे वर्कर ने जी, उन्हां नू ओह मिसगाइड कर रहे सीगे। जी ओ उन्हां दा घरेलू मामला है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और थोड़े चैनल दे माध्यम राही मैं कहना चाहना जिहड़ा पीड़ित परिवार है जे ओ साडे तो कोई मदद मंगेगा तो शिवसेना हिंदुस्तान उन्हां दी डट के मदद करेगी। देखो जी साडे कोल रुका जिहड़ा सवेरे आया असीं मौके ते जिथे बेटी कुड़ी ब्याह के दित्ती हुई है उत्थों मौके ते गए सी उन्हां दे घरे लॉक लग्गिया आया ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਮੈਕਸ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੈਡ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਮਿਸਟੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟੀ।
ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਕਿਰਨ ਜੈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਨ ਜੈਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ।